हाय मैम, मैम तब तो विजुअल दे दीजिए। विजुअल्स अच्छा हो जाओ। अब ले लीजिए। परफेक्ट। हाय मैम, कैसे हैं आप लोग? मोरिया मोरिया, चलिए नीचे संभालना, नीचे तुम देखना, हाथ ना लगे। आराम से आराम से, चलो राइट से आगे बढ़ते रहो, रुको मत, दर्शन करके आगे बढ़ते रहो। Thank you.
होती है। आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर, हम हेल्दी रहे, खुश रहे, ऑनेस्ट रहे और अच्छा काम करें, अच्छे से रहे, यही चाहते हैं और क्या, बाकी सारी चीज़ें तो मिलती रहेंगी, आशीर्वाद रहे उनका हमारे। वो कहते हैं ना कि आप अपने मन का मांगो तो अच्छा, लेकिन अगर उनके मन का हो तो वो और भी अच्छा होता है। तो हमेशा हम यही करते हैं कि जाते हैं पूरी आस्था से उनकी प्रार्थना करते हैं और यही कहते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो आप हमें दे दीजिएगा, उन्हें बेटर पता है। अभी रिसेंटली एक लालबाग में केसेस हुए जहाँ पर यू नो टीवी आप ही के टेलीविजन से उनके साथ मिसबिहेव किया गया। जैसे आपने यहाँ भी देखा अंधेरी से राजा भी बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, सिर्फ टीवी इंडस्ट्रीज के नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं, उनकी फैमिली स्पेशली आती है और आज भी उनके मैनेजमेंट आपने देखा होगा। कुछ कहना चाहेंगे जब ऐसे जगहों पे बड़े लोगों को सब बड़े सेलिब्रिटियों का नाम दे दिया जाता है और ऐसे लोगों ऐसे जगह के बारे में लोगों को पता भी नहीं है जबकि इसकी मान्यताएं बहुत ही प्राचीन समय से हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे आप उस एक्सीडेंट को लेकर? नहीं ऐसा तो क्या ही बताएंगे, मतलब इंसिडेंट जैसे बड़े बड़े जगहों पर ऐसे कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बट अभी आस्था जिस आस्था से हम आए हैं बापा से मिलने, बापा का दर्शन करने, हम तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि बापा हर जगह सब जगह एक जैसे हैं, वो तो लोगों ने अलग अलग बना दिया, यहाँ के फेमस है, वहाँ के फेमस है, पर उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा तो हर जगह हर किसी पे एक जैसी है। वो जगह फेमस करती है पर पापा तो यहाँ पे भी हैं, बाहर भी हैं, सेट पे भी हैं, घर पे भी हैं, हर जगह ही हैं। हम रोज सुबह शूटिंग में शुरुआत ही करते हैं पापा की पूजा से, उनकी शुरुआत होती है तो हमारे पास तो वो रोज ही है। इट्स जस्ट दैट कि आप जो इंसिडेंट की बात अभी आपने कही कि जो ऐसे हुआ था तो सिमरन के साथ इट हैड हैपेंड, ऑफकोर्स वी ऑल वुड नेवर लाइक टू फेस सच सिचुएशन जो हुआ था, बट अब यही है कि आप अगर किसी को एक्टर या वो चीज़ तो छोड़ ही दो, बट इवन एज अ ह्यूमन आई थिंक थोड़ा सा केयरफुल शायद वहाँ का मैनेजमेंट रह सकता था क्योंकि जो मिसहैंडलिंग हो रही है दैट्स ऑफ कोर्स नॉट गुड, किसी को भी आज अच्छा नहीं लगेगा, हम तो ठीक ही है बट इवन आम जनता को भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी अगर किसी को इस तरह से ट्रीट किया जाए, क्योंकि सब क्या है कि अपना एक विश्वास अपनी आस्था से जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो उन्हें भी आई थिंक उतना ही रिस्पेक्टफुली अगर सब किसी को ट्रीट किया जाए तो अच्छा रहेगा। और आप तो शो भी काफ़ी आया, काफ़ी अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे?
आप बोलो पप्पा के पास आए हैं शो मतलब शूटिंग कर कर आए हैं और पप्पा ने बुलाया है तो अच्छा ही चल रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और कहीं ना कहीं मन में एक ये आस्था भी लेकर आए थे कि पप्पा शो को और अच्छा चलाना अच्छा चले। अभी तक जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत प्यार मिल रहा है और प्यार मिलता रहे साजा सिंदूर को। हमारे स्तुति का पहला शो है, पहली बार ये टेलीविजन पे आई है और इन्होंने बहुत काम किया है, पहले मैंने भी काम किया है तो इनके लिए बहुत स्पेशल है ये शो और हम सब प्रे करते हैं कि इनके लिए ये शो अच्छा चले, इनका बहुत नाम हो और साथ ही साथ लोग शो को प्यार करें, शो को देखें, पसंद करें, हम सब भी और अच्छा काम करें। जितना शो को पसंद किया जाता है उतना हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा करने के लिए, तो बस यही चाहेंगे हम। और जब इतने प्यारे लोगों के साथ काम हो रहा होता है तो और मज़ा आता है। बस का लगा नहीं, नहीं सच में आज आई इसलिए है। आई थिंक वी ऑल आर ग्रेटफुल और आज हमें ये जो मौका मिला है इट्स एन ऑनर कि हम अंधेरी चा राजा आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर शो, वरना शायद हम हमारी आम जिंदगी में ना हम ऐसे मिलते ना हमें ये मौका मिलता आकर इस तरह से यू नो पापा के दर्शन लेने का। तो ऑल इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर सनियो चैनल, बिकॉज ऑफ साजा सिंदूर कि तीनों यू नो इतने प्यार से यहाँ आए हैं, ये पूरी जो वाइब है इट्स सो गुड एंड सो स्पिरिचुअल। तो थैंक्स टू सनियो, थैंक्स टू माई शो साजा सिंदूर कि आपने हमें ये मौका दिया। वेल कहते हैं ना कि गणपति आते तो उनका सबसे फेमस जो एक होता है वो मंडप होता है, कितना खाया है आपने? मैंने तो मुंबई आके पहली बार मैंने मोदक खाया है एक्चुअली, और जो असली मोदक होता है क्योंकि मैं कहीं से मोदक वो क्या होता है जो जयंती ने आपको दिया था बनाते हैं भाई, तो जयंती को आर्टिस्ट है हमारी, उन्होंने घर पे मोदक बनाया था, पूजा करी थी और वो स्पेशली सेट पर लेकर आई थी, वो इतना अच्छा था मोदक मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बहुत मोदक खाए हैं, ये सीज़न मोदक सीज़न है तो मैं तो बनानी करती हूँ मोदक के लिए और मुझे मोदक बहुत पसंद है, पापा का नाम लेती हूँ और मोदक खा लेती हूँ। मेरे तो एक हफ्ते के गैप्स चल रहे तो मोदक ही क्या, हर कोई मिठाई में तो इतनी खा रही हूँ, तो ये फेस्टिवल इतना अच्छा लगता है और ऊपर से अगर मोदक और स्वीट्स आ गए तो आई कैन नेवर से नो टू दैट। इसके अलावा हाथ में जो अभी लड्डू दिख रहे ये तो बहुत प्यार से दिया गया है, प्रसाद है पापा का, पापा के चरणों में दिया गया है तो इसको तो हम मिल बांट के सबको बांटेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, सेट पे भी लेके जाऊंगी मैं, सेट पे भी शेयर करूंगी जहाँ तक हो सके। बोलो मैसेज दो। हमारा यही मैसेज रहेगा कि हमारे शो को 3-3.5 महीने हो चुके हैं, हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यू नो इतनी व्यूअरशिप, ऑडियंस का इतना प्यार, ऑफकोर्स पहले हमें मिलता आया है बट एक नोन चैनल से एक नई यू नो एक हिंदी में जो पेशकश आई है सन नियो की उसमें इतना ही प्यार हमें जो बरकरार मिला है इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल अवर ऑडियंस, दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो साजा सिंदूर को हम सब को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें और हम भी आगे उतनी ही शिद्दत से यू नो आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अंधेरी से राजा विजय असो।